नमस्ते, वेलकम बैक टू हैप्पी होममेकिंग। दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट योर दिवाली क्लीनिंग। अगर आप अभी तक क्लीनिंग स्टार्ट नहीं भी किया है, लेकिन एक चेकलिस्ट तो आपने जरूर बना लिया होगा, क्योंकि डीप क्लीनिंग के लिए एक चेकलिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिवाली एक ऐसा टाइम है जब हम पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीन करते हैं। बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, फ्रिज के ऊपर, सभी जगह हम बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। लेकिन इतना ज्यादा क्लीनिंग के बावजूद घर में ऐसा कुछ कोना है, ऐसा कुछ सामान है जो हम क्लीन करना अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि वो सब चीज क्लीन करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको याद दिलाऊंगी वही सब चीजों के बारे में जो कि आपको जरूर क्लीन करना चाहिए। एक्चुअली ये सब चीज आपको पीरियडिकली क्लीन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हैं, अगर आपका चेकलिस्ट में ये नहीं है, तो दिवाली इज द बेस्ट टाइम टू इंक्लूड ऑल दीज आइटम इन योर दिवाली क्लीनिंग चेकलिस्ट। ये सब चीजें मैंने काफी दिनों से क्लीन नहीं किया है ताकि आपको फर्क पता चले। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन नमस्ते, मैं हूं अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग DIY एंड हैप्पी रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं, तो प्लीज सर्च कर हैप्पी होम मेकिंग। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी नॉट मिस ना करे। दिवाली क्लीनिंग के एक पार्ट है डिक्लटरिंग, लेकिन डिक्लटरिंग करते समय हम कुछ मिस्टेक्स जरूर करते हैं। तो अगर इस दिवाली आपको मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। 2 weeks back मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारा बातें कर ली, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक किचन के इनसेपरेबल पार्ट है गैस स्टोव। किचन में जितना भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये गैस स्टोव, क्योंकि इसमें हम खाना बनाते हैं। और इसलिए गैस स्टोव हम हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। किचन में और कुछ अप्लायंसेस हम रोज क्लीन करें या ना करें, स्टोव हम हमेशा रिलीजियसली क्लीन करते हैं। लेकिन ये सफाई सिर्फ गैस स्टोव के अपर पार्ट में कन्फाइंड होते हैं। हम गैस स्टोव हटा के उसका नीचे का स्लैब भी रोज क्लीन कर लेते हैं, लेकिन कभी भी गैस स्टोव उल्टा करके नीचे से क्लीन नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट गैस स्टोव के बॉटम पार्ट हमेशा नेग्लेक्टेड रहते हैं और इतना ज्यादा गंदा हो जाते हैं। तो इस दिवाली किचन डीप क्लीनिंग चेकलिस्ट में एड अ न्यू आइटम, दैट इज क्लीन बॉटम पार्ट ऑफ द गैस स्टोव। क्लीनिंग के लिए यूज द वन एंड ओनली मैजिक पाउडर, दैट इज बेकिंग सोडा। थोड़ा ज्यादा अमाउंट में गैस बर्नर के आसपास स्प्रिंकल करें, उसके बाद व्हाइट विनेगर स्प्रे करें और 30-40 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अभी गैस स्टोव को इस हालत में छोड़कर चलिए हम कुछ और क्लीन कर लेते हैं। गैस स्टोव के बाद जो अप्लायंस किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है मिक्सर ग्राइंडर। इसमें हम मसाला तैयार करते हैं, तो मिक्सर को भी हम एवरी नाउ एंड देन क्लीन करते रहते हैं। और ये चटनी जार हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और सबसे ज्यादा क्लीन भी करते हैं। लग रहा है ना कि ये कितना क्लीन है, वेट, चलिए इसे थोड़ा टर्न करते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, नीचे से ये कितना गंदा है। अगर आप अपना चटनी जार नीचे से भी रोज क्लीन करते हैं, तो क्या बात, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो एक बार जाके जरूर चेक कीजिए चटनी जार की हालत क्या है। क्लीनिंग बहुत ही आसान है, यूज द सेम बेकिंग सोडा एंड विनेगर। थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूज करना है, एंड अगेन लीव इट फॉर 15-20 मिनट्स। अभी इसे भी रहने देते हैं और चलिए अभी गैस स्टोव क्लीन कर लेते हैं। स्क्रबिंग के लिए मेटल ब्रश यूज करना है। ब्रश की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्क्रबिंग के बाद एक ओल्ड टॉवल से बर्नर क्लीन कर लेना है। ऐसा टॉवल यूज करना है जिसे आप क्लीनिंग के बाद फेंक सकते हैं। गैस स्टोव के बॉटम पार्ट चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इस तरीके से गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग सही मायने में कंप्लीट होता है। Thank you.
मिक्सर जार क्लीन करने के लिए एक स्पून यूज करना है। स्पून के हेल्प से जो भी बिल्डअप है उसे क्लीन कर लेना है एंड उसके बाद एक ब्रश से थोड़ा सा स्क्रब करने से ही आपको एक क्लीन बॉटम वाला मिक्सर जार मिल जाएगी। तो इस दिवाली किचन की सबसे इंपॉर्टेंट दो अप्लायंसेस सही तरीके से डीप क्लीन जरूर करना। सुबह नींद खुलते ही जो चीज हम सबसे पहले यूज करते हैं वो है टूथब्रश। लेकिन ये टूथब्रश क्लीन करने के बारे में कभी सोचा है? टूथब्रश डिसइंफेक्टेड करना भी बहुत जरूरी है और ये काम बहुत आसान भी है। एक ग्लास लेना है, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट देना है एंड देन उसमें थोड़ा गर्म पानी लेना है। वाटर लिक्वॉर्म भी नहीं होना चाहिए और बॉइलिंग वाटर भी नहीं होना चाहिए। अभी ब्रश डाल दीजिए और 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। देन वॉश इट विद प्लेन वाटर, टूथब्रश डिसइंफेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज अ क्लीन जर्म फ्री टूथब्रश, बट प्लीज रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। सेम थिंग्स हैपन विद हेयर ब्रशेस एंड कॉम्ब्स। हम अक्सर इसे भी क्लीन करना भूल जाते हैं। नॉर्मल कॉम्ब तो फिर भी हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन हेयर ब्रशेस क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जस्ट टेक अ ओल्ड पेन और ए ओल्ड फॉर्क एंड जो भी हेयर स्ट्रैंड फंसा हुआ है उसे क्लीन कर ले। हेयर स्ट्रैंड्स इजीली क्लीन हो जाएगा। उसके बाद एक पुरानी बोल में थोड़ा सा लिक्वॉर्म वाटर ले लीजिए, उसमें 3 से 4 ड्रॉप शैम्पू ऐड करें, उसे अच्छे से मिक्स कर ले, देन डीप ऑल द कॉम्ब्स एंड ब्रश। पानी इतना डाले ताकि सभी कॉम्ब्स एंड ब्रशेस अच्छे तरीके से डीप हो जाए एंड अगेन लीव इट फॉर 15 to 20 minutes। देन टेक अ क्लीनिंग ब्रश विथ हार्ड ब्रिसल्स एंड अपवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करते रहे। क्लीनिंग के लिए आप नॉर्मल टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद उसे एयर ड्राई होने दे, दे विल बिकम क्लीन एंड जर्म फ्री एंड ऑल्सो प्लीज क्लीन योर कॉम्ब एंड हेयर ब्रश पीरियोडिकली। जेल आईलाइनर हम सब यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ जो ब्रश आते हैं उसे हम में से कितने लोग क्लीन करना जरूरी समझते हैं? क्लीन ना करने से एक तो उसमें जर्म बिल्डअप होते हैं एंड सेकेंडली ब्रश बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाते हैं, लाइन ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये लाइनर ब्रश क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आई कॉन्टैक्ट में आते हैं। क्लीनिंग के लिए एक प्लास्टिक शीट ले लीजिए, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल डालें, देन ब्रश क्लीन करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि कितना सारा आईलाइनर रेसिड्यू निकल के आ रहा है। जब सब रेसिड्यू क्लीन हो जाए देन एक ग्लास में अगेन थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले लें एंड ऐड 2 to 3 drops ऑफ शैम्पू। आईलाइनर ब्रश और कैप दोनों एक साथ डाल दें, 10 to 15 minutes के लिए छोड़ दें, देन रेंज इट विथ नॉर्मल टैप वाटर। उसके बाद उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अगर आप लिप कलर लगाने के लिए भी ब्रश यूज करते हैं तो उसे भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आपका आईलाइनर एंड लिप ब्रश एकदम क्लीन हो जाएगा। फोटो फ्रेम हो या फिर टीवी स्क्रीन, हम हमेशा सामने से क्लीन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डस्ट होता है फोटो फ्रेम या टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो इस दिवाली डीप क्लीनिंग लिस्ट में इसे भी इंक्लूड करें। पहले ड्राई डस्ट को क्लीन कर ले, देन एक ऑल पर्पस क्लीनर से क्लीन करें। सेम तरीके से डोर के ऊपर भी क्लीन करना ना भूले क्योंकि डस्ट नेवर डिसअपॉइंट्स। लाइट फिक्स्चर्स डेली बेसिस पे क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसे क्लीन करने के लिए हमें हमेशा लैडर यूज करना पड़ता है, लेकिन डीप क्लीनिंग के टाइम इसे भी जरूर क्लीन करें। Thank you.
ट्यूबलाइट का जो ब्रैकेट्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये मेरी किचन की एडजेसेंट ट्यूबलाइट है और इसका हालत देखिए। लेकिन इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। जस्ट टेक अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड मिस्टर मसल उसके ऊपर स्प्रे करें, देन क्लीनिंग स्टार्ट करें। मिस्टर मसल किसी भी ग्रीजी एरिया क्लीन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। वॉशिंग मशीन हम होम मेकर्स की ट्रू फ्रेंड है एंड इसे भी क्लीन करना जरूरी है फॉर ऑब्वियस रीजन। सोप ट्रे अगर रेगुलर इंटरवल में क्लीन ना किया जाए तो इसका हालत ऐसा होता है, तो डीप क्लीनिंग के टाइम इसे भी क्लीन करें। नॉर्मल टैप वाटर से सोप ट्रे इजिली क्लीन हो जाता है। सोप ट्रे के साथ साथ ये गैस्केट भी बहुत ज्यादा गंदा होता है एंड नॉर्मल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ये भी बहुत ही इजीली साफ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज टर्न करके देख लिया। लाइफ ही कुछ ऐसा ही है, कभी कभी चीजें टर्न करके देखना पड़ता है, कभी कभी टेबल के दूसरे साइड खड़ा होना पड़ता है, तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। आई विल सी द न्यू वीडियो नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।